हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस क्या होती है, एडोलेसेंट कौन होता है, एडोलेसेंस से रिलेटेड कुछ ज़रूरी डेफिनेशंस, एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जिसमें हम फिज़िकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट आज कंप्लीट कर लेंगे और इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम में हम सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और सेक्सुअल डेवलपमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एडोलेसेंस। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, इस टॉपिक की PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इसका प्रिंटआउट निकाल लें और उन नोट्स के साथ आप इस वीडियो को देखें और जहां आपको अतिरिक्त महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे आप नोट्स या नोटपैड के ऊपर लिख लें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस क्या होती है। दोस्तों, एडोलेसेंस वर्ड लैटिन भाषा में एक वर्ब होती है जिससे इंग्लिश की नाउन एडोलेसेंस बनी है। एडोलेसेंस रिप्रेजेंट्स अ पीरियड ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ एंड चेंज इन नियरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल लाइफ। दोस्तों, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में बच्चे की फिजिकल, मानसिक, सामाजिक और इमोशनल सभी तरह की ग्रोथ होती है और इन सभी में चेंजेस आते हैं और यह किसी भी किशोर के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल दौर होता है। दोस्तों, इसमें काइंड के बाद फुल स्टॉप आएगा। ही सीजेस टू बी एन एडोलेसेंट व्हेन ही हैज़ एक्वायर्ड मैच्योरिटी टू प्ले द रोल ऑफ एन एडल्ट इन हिज सोसाइटी और कल्चर। और किसी भी बच्चे को किशोर नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह अपनी सोसाइटी और कल्चर में एक अडल्ट का रोल प्ले नहीं करने लग जाता, यानी एक वयस्क की जिम्मेदारियों को नहीं निभाने लग जाता, तब तक उसे किशोर ही कहा जाएगा। मैच्योरिटी डज नॉट मीन मियर ए फिजिकल मैच्योरिटी, इट ऑल्सो इम्प्लाइज मेंटल, इमोशनल एंड सोशल मैच्योरिटी। तो दोस्तों, यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि मैच्योरिटी का मतलब केवल फिजिकल मैच्योरिटी नहीं है, इसका अर्थ है कि आप मेंटल यानी अपने दिमाग से, अपनी भावनाओं से और सोसाइटी के प्रति भी आप परिपक्व व्यवहार करें, उसे ही हम मैच्योरिटी कहेंगे। दोस्तों, आमतौर पर लड़कियाँ सेक्सुअली और सामाजिक तौर पर लड़कों की अपेक्षा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। दोस्तों, यदि वेस्टर्न कंट्रीज़ के किशोरों की तुलना हम भारत के किशोरों से करें तो दोस्तों, भारत में किशोरावस्था पाश्चात्य देशों की अपेक्षा जल्दी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसका कारण भारत की संस्कृति और जलवायु परिवर्तन है। एडोलेसेंस रेंजेस फ्रॉम 13 to 19 अमंग बॉयज़ एंड फ्रॉम 11 to 17 ईयर्स अमंग गर्ल्स। दोस्तों, भारत में लड़कों में किशोरावस्था 13 से 19 एज तक होती है और वही लड़कियों में 11 से 17 साल की उम्र तक किशोरावस्था रहती है, यानी लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। दोस्तों, मैं आपके लिए सिलेक्टिव डेफिनेशंस लाई हूँ, आपको ये सभी डेफिनेशंस याद करनी है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा पूरा अनुमान यही है कि यदि डिवेलपमेंट से कोई डेफिनेशन आती है तो इन्हीं में से आएगी, तो आप इन्हें पक्का याद करके जाना। बिग्गे एंड हंट, द ग्रुप टू विच एन एडोलेसेंट इज रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस ऑल हिज वर्क्स। ग्रुप इन्फ्लुएंसेस देयर लैंग्वेज, मॉरल वैल्यूज, क्लोथिंग हैबिट्स एंड फूड हैबिट्स। स्टैनले होल क्या कहते हैं एडोलेसेंस के बारे में? एडोलेसेंस इज अ न्यू बर्थ फॉर द हायर एंड मोर कम्प्लीटली ह्यूमन ट्रेट्स आर नाउ बोर्न। किलपैट्रिक की डेफिनेशन है, एडोलेसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ये एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा अवश्य। उसने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं जिनमें से मैंने 3 यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए लिख कर रखी हैं। फैंटेसीज फेड एंड रियलिटी इज फेस्ड। दूसरी है, लाइक एन इन्फेंट एडोलेसेंट हैज़ टू स्टार्ट अगेन एडजस्टमेंट विद हिज एनवायरमेंट। द थर्ड वन इज, एडोलेसेंट इज बेस्ट रिगार्डेड एज रिकैपिचुलेशन of the first period of life as a second turn of the spiral development। दोस्तों, इसमें recapitulation में P के बाद U के स्थान पर I आएगा
तो आप यहाँ पे आई कर लीजिएगा। इसके बाद आती है वैलेंटाइन की दो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस, जो कि हैं अडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एंड इंटीमेट फ्रेंडशिप, अनदर वन इज़ इट इज़ अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसीज। स्टैनले होल ने एक और डेफिनेशन दी है जो कि है अडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। दोस्तों अपनी इस डेफिनेशन में स्टैनले होल जिस स्ट्रेस यानी तनाव के बारे में, जिस स्टॉर्म के, जिस तूफान के बारे में, तूफान का मतलब जो उसके मस्तिष्क में तूफान चलता रहता है उसके बारे में, और स्ट्राइफ का मतलब यहाँ पर हार्डशिप्स होगा जिन मुश्किलों से एक अडोलेसेंट गुजरता है, उसमें ये तीन बातें शामिल होती हैं। नंबर एक तो अपने पेरेंट्स के साथ वह लगातार द्वंद्व में रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, उसके विचार अक्सर अपने पेरेंट्स से मेल नहीं खाते और वह उग्र व्यवहार करता है उनके साथ। मूड डिसरप्शंस यानी उसको मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बार बार उसको बिना किसी बड़ी बात के गुस्सा आने लगता है और वह बहुत ही आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं कई बार। रिस्क बिहेवियर, तो रिस्क बिहेवियर उनकी एडवेंचरस प्रवृत्ति की ओर भी इशारा करता है कि इस दौरान वे बहुत ही साहसिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एडोलेसेंट्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, यह किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे मुश्किल दौर होता है। स्प्रिंग ऑफ लाइफ, यह इसे जीवन का बसंत भी कहा जाता है क्योंकि यह प्यार की आकर्षण की उम्र होती है। स्टेज ऑफ रिडल, यह पहेलियों की स्टेज भी है क्योंकि इसमें किशोर को कुछ भी स्पष्ट नहीं होता कि उसे आगे लाइफ में क्या करना है और वह किस पथ पर जा रहा है, इसलिए इसे स्टेज ऑफ रिडल भी कहते हैं। एज ऑफ प्रॉब्लम्स, दोस्तों यह एज ऑफ प्रॉब्लम्स तो है ही क्योंकि इसमें एक चाइल्ड के फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सभी तरह के चेंजेस आते हैं। एज ऑफ स्टॉर्म्स, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं डेवलपमेंटल चेंजेस की वजह से इसे एज ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा जाता है। स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें तनाव और द्वंद्व बहुत अधिक होता है। अनहैप्पी एज, बहुत से किशोर इस दौरान अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि वे अपने आप से संतुष्ट नहीं होते, उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। एज ऑफ रेशनल थिंकिंग, दोस्तों एक एडोलेसेंट में तार्किक क्षमता भी आ जाती है और वह हर पॉइंट को तर्क के आधार पर जांचने की कोशिश करता है। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, यह व्यक्ति के जीवन का सुनहरा समय कहा जाता है क्योंकि इस एज में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट मैक्सिमम पहुंच जाती है और एडोलेसेंट काफ़ी एडवेंचरस हो जाता है, और इसके साथ ही उसमें ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन रहता है तो वह काफ़ी खुश रहता है और इसीलिए उसे गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है। एज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, दोस्तों इस दौरान उसकी सभी तरह की डेवलपमेंट बहुत शीघ्रता से होती है, इसलिए इसे एज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट कहेंगे। यह एज ऑफ ब्यूटी है, इसमें लड़के और लड़कियां अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, सभी किशोर यह चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें। टीन एज, दोस्तों इसे टीन एज कहेंगे क्योंकि ये 13 से 19 तक होती है, इसलिए इसे टीन एज कहते हैं। एज ऑफ एक्शन, दोस्तों यह एज ऑफ एक्शन है क्योंकि इसमें एडोलेसेंट्स इनिशिएटिव लेना पसंद करते हैं, किसी भी कार्य को कल पर टालने की बजाय वह उसे आज ही ख़त्म करना चाहते हैं। स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दोस्तों इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की स्टेज भी कहेंगे क्योंकि जब एडोलेसेंट्स खुद को किसी ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं तो वह एब्स्ट्रैक्टली उनके बारे में सोचने लगते हैं। वे इस दौरान डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगते हैं जो कि बहुत बार यथार्थ से बहुत परे होते हैं, इसलिए इसे स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। एज ऑफ हीरो वर्शिप, दोस्तों इस एज में एडोलेसेंट्स अक्सर किसी न किसी को अपना मेंटोर बना लेते हैं, अपना हीरो बना लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, इसीलिए यह एज ऑफ हीरो वर्शिप है। वे उसके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं और उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दोस्तों आइए देखते हैं कि एडोलेसेंस के दौरान किशोरों में ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया है कि किशोरावस्था में फिजिकल ग्रोथ अपनी पीक पर होती है, यानी अपने जीवन में सर्वाधिक फिजिकल ग्रोथ एडोलेसेंट्स में होती है। किशोरावस्था के बाद इतनी फिजिकल ग्रोथ संभव नहीं है जितने की किशोरावस्था में होती है। द ह्यूमन बॉडी फाइंड्स इट्स फाइनल शेप,
और यही वह समय होता है जब बॉडी अपनी फाइनल शेप ले लेती है, यानी मोटा होना है, पतला होना है। कुछ किशोर आपने देखे होंगे बहुत शॉर्ट हाइटेड होते हैं, कुछ थोड़े ओबेस यानी मोटे होते हैं, कुछ पतले यानी स्लीक होते हैं और कुछ हेल्दी होते हैं। द मैक्सिमम लिमिट विद रिगार्ड टू इंक्रीज इन साइज़, इसी दौरान दोस्तों उनके बॉडी का साइज़, हाइट है, उनका वेट है, वो मैक्सिमम पहुंच जाता है और अक्सर वे उसी वेट को, उसी हाइट को और उसी साइज़ को ताउम्र मेंटेन रखते हैं। और यदि हम फिजियोलॉजिकली यानी शारीरिक तौर पर बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत से फिज़िकल चेंजेस आते हैं, जैसे उनकी अंडर आर्म्स और जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास हेयर ग्रोथ डेवलप हो जाती है। इसके अलावा गर्ल्स की ब्रेस्ट और हिप्स की शेप राउंड हो जाती है, उनमें एक्स्ट्रा फैट आ जाता है। और जो बॉयज़ हैं उनके फेसेस पर बियर्ड से और मस्टैक्स से यानी मूछों से डेकोरेशन हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों गर्ल्स की वॉइस श्रिल यानी पतली हो जाती है, थोड़ी मीठी हो जाती है, और बॉयज़ की आवाज़ हार्श यानी थोड़ी कठोर और भारी हो जाती है। गर्ल्स इस दौरान एवरी मंथ मेंस्ट्रुएट करने लगती हैं और बॉयज़ में नॉक्टर्नल एमिशंस यानी नाइटफॉल होने लगता है। और ये सभी चेंजेस एडोलेसेंस को इतना मैच्योर बना देती हैं कि बॉयज़ को मैन और गर्ल्स को वीमेन कहा जा सके। आइए अब देखते हैं कि किशोरावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है। एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ हाइटनिंग ऑफ ऑल इमोशंस। दोस्तों एडोलेसेंस में सभी इमोशंस अपनी पीक पर होती हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, जैसे एनजाइटी यानी चिंता। दोस्तों एनजाइटी का मतलब सिर्फ चिंता नहीं होता है, जब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन उसे किसी वजह से नहीं कर पाते तो हमें एनजाइटी हो जाती है। एडोलेसेंट्स के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और वे जब उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में बहुत सी अड़चनें आने लगती हैं, तो वे एनजाइटी का यानी चिंता का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा उनमें डर की भावना भी बहुत बढ़ जाती है, किसी अपने को खोने का या फिर आगे लाइफ में सफल न होने का डर उन्हें सताए रखता है। इसके साथ ही उनमें ऑपोजिट जेंडर और अपने फ्रेंड्स के प्रति लव की भावना बहुत होती है, और साथ ही साथ उनमें एंगर यानी क्रोध की भावना भी प्रबल रूप से होती है, उनका अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वंस अगेन एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड इंटेंसिटी लाइक एन इन्फेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। दोस्तों यहाँ एडोलेसेंट की कंपैरिजन एक 2 साल के बच्चे से की गई है। जिस प्रकार 2 साल के बच्चे की इमोशन स्टेबल नहीं रहती, उसे बार बार गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, उसे अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं आता है और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होता 2 साल का बच्चा, इसी तरह जो एडोलेसेंट्स हैं उनकी भी भावनाओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है और वे इमोशनली बहुत ही इनस्टेबल रहते हैं, और उनकी जो इमोशंस होती हैं वो बहुत ही इंटेंसली यानी बहुत अधिक प्रबल रूप में उभर कर बाहर आती हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बीइंग मैक्सिमम, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉयज गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी फॉर मैक्सिमम मोटर एक्टिविटी। दोस्तों क्योंकि इस दौरान फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट अपने जीवन के चरमोत्कर्ष पर होता है, इसीलिए बॉयज़ की मोटर एक्टिविटी को और अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत से अवसर प्रदान किए जाते हैं। जैसे इसी दौरान टीनेज में ही दोस्तों एनसीसी में या एनएसएस में बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, उनको स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इस दौरान फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अधिक होता है। अकॉर्डिंग टू रोस, दोस्तों अब यह एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसे रोस ने दिया है। आइए चलते हैं इस डेफिनेशन पर। द एडोलेसेंट लिव्स एन इंटेंसली इमोशनल लाइफ इन विच वी कैन सी वंस मोर द रिदम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेसेस ऑफ बिहेवियर इन हिज कॉन्स्टेंट ऑल्टरनेशन बिटवीन इंटेंस एक्साइटमेंट एंड डीप डिप्रेशन। दोस्तों हालांकि ये आपको पूरी ऐसे के ऐसे ही याद रखनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा सा क्रक्स बता देती हूँ कि इसमें रोस यह कहना चाहते हैं कि इस दौरान एक किशोर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की भावनाएं लगातार चलती रहती हैं और वह अपने अंदर एक्साइटमेंट और दबाव यानी डिप्रेशन बहुत अधिक महसूस करता है और इस अवस्था में वह अत्यधिक इमोशनल लाइफ लीड करता है। इंटेलिजेंस रीचेज इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस पीरियड, यह भी एक इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दोस्तों इस दौरान इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धि का विकास मैक्सिमम होता है। एन एडोलेसेंट लर्न्स टू रीजन एंड सीक्स आंसर टू हाउ एंड व्हाई ऑफ एवरीथिंग साइंटिफिकली। दोस्तों एक किशोर साइंटिफिक तरीके से यानी
उसकी रीजनिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वह हर क्वेश्चन के हाउ और वाई, यानी कि कोई भी कार्य क्यों हुआ और कैसे हुआ, यह जानने की कोशिश करता है। और इसीलिए इसकी इंटेलिजेंस भी मैक्सिमम होती है और इसीलिए उसकी रीजनिंग इस समय मैक्सिमम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस दौरान उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी मैक्सिमम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस दौरान एक किशोर में तार्किक क्षमता अत्यधिक प्रबल होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन एडोलेसेंस, और पियाजे ने एडोलेसेंस की परिभाषा यह दी है कि एडोलेसेंस में द इंडिविजुअल्स थॉट्स स्टार्ट टेकिंग मोर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एंड ईगोसेंट्रिक थॉट्स डिक्रीज, यानी किशोरावस्था में व्यक्ति के विचार एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यानी पर अमूर्त रूप ले लेते हैं, वे यथार्थ से परे होते हैं, और इसके साथ ही साथ उसकी ईगोसेंट्रिक थॉट्स कम हो जाती हैं, यानी वह दूसरों के विचारों से भी प्रभावित होता है और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता है। उसका ईगोसेंट्रिक बिहेवियर यानी मैं ही सब कुछ हूँ और मैं जो सोचता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत हैं, इस प्रकार के विचार उसके मन में आने कम हो जाते हैं, बल्कि उसके मन में एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त विचार अधिक आते हैं। अमूर्त विचार का अर्थ है जो यथार्थ से परे होते हैं। वह इस समय कल्पनाओं में जीता है और उसमें ईगोसेंट्रिज्म कम होती चली जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कॉमेंट कीजिए और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचे और वे भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो महंगे कोर्सेज़ की फ़ीस पे करने में असमर्थ हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे लिखिए, आपको आपकी क्वेरी का आंसर अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मैं यह वीडियोस एक नोबल कोज़ के लिए बना रही हूं, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत अधिक हौसला मिलता है और आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। आशा करती हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।